दोस्तों अफगानिस्तान से जीतने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है और ऑस्ट्रेलिया पर सबसे ज्यादा खतरा ग्रुप वन में से ऑस्ट्रेलिया पर ही है। और ऐसा क्यों है? आखिर जब ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से जीत गई तो ऑस्ट्रेलिया बाहर कैसे हो सकती है? तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से सिर्फ 4 रन से मैच जीती है। इसी के चलते जो ऑस्ट्रेलिया का रन रेट है जिसे ऑस्ट्रेलिया को बढ़ाना था, ऑस्ट्रेलिया ने 169 रनों का अफगानिस्तान को टारगेट दिया था और अफगानिस्तान को 106 रनों पर रोकना था ताकि इंग्लैंड से उसका रन रेट बेहतर हो सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया 106 रन तो दूर की बात, सिर्फ 4 रन से अफगानिस्तान से जीती है। तो पॉइंट टेबल में अब क्या समीकरण है, ऑस्ट्रेलिया क्यों बाहर हो रही है और इंग्लैंड को इसका क्या फायदा है? न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड किस तरह सेमीफाइनल में जाती हुई दिखाई दे रही है, पॉइंट टेबल से आपको समझाते हैं। पॉइंट टेबल में आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अब दोनों के साथ साथ पॉइंट हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गई है क्योंकि उसका नेट रन रेट भी बहुत शानदार है, +2 में है। वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, उसके भी 7 पॉइंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रन रेट देखिए आप, -0.17 है। वहीं इंग्लैंड का मुकाबला अब श्रीलंका से होना है, वो आखिरी मुकाबला है इस ग्रुप का, और इंग्लैंड अगर जीत जाता है श्रीलंका से, जो कि लगता है कि जीत ही जाएगा जिस तरह इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया, तो श्रीलंका को भी इंग्लैंड आसानी से हरा सकता है। और जैसे ही इंग्लैंड श्रीलंका को हराएगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसका रन रेट ज्यादा है। तीनों टीमों के साथ साथ पॉइंट होंगे, लेकिन इंग्लैंड का रन रेट ऑस्ट्रेलिया से बेहतर होगा, इसी वजह से इंग्लैंड न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कंडीशन है? ऑस्ट्रेलिया अब बस यही दुआ करेगी कि श्रीलंका इंग्लैंड को हरा दे, और अगर इंग्लैंड हार जाता है तो उसके 5 ही पॉइंट रहेंगे, तो ऐसे में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इंग्लैंड को अब सिर्फ जीत चाहिए, भले ही श्रीलंका से वो 1 रन से जीत जाए तो इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो अफगानिस्तान को बड़े मार्जिन से हराने का मौका था, 169 का टारगेट देने के बाद 106 रन पर अफगानिस्तान को अगर ऑस्ट्रेलिया रोक लेता तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से रन रेट के मामले में ऊपर आ सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 4 रनों से जीता और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का रन रेट सबसे खराब है। तो अब इंग्लैंड और श्रीलंका का जो मैच होना है उसमें इंग्लैंड को सिर्फ जीत चाहिए, और वो जीत कैसे भी आए, 1 रन से आए या फिर 1 विकेट से आए, तो इंग्लैंड सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ क्वालिफाई करेगा और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों ग्रुप वन में सब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हो चुका है। अब इंग्लैंड अगर श्रीलंका से जीतती है तो इंग्लैंड जीतने के साथ ही न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी और ऑस्ट्रेलिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड श्रीलंका को पटखनी दे देगा या फिर श्रीलंका इंग्लैंड को हरा देगी, क्या लगता है आपको?